Hi guys and welcome back to Jyoti Jiya Love. Today I'm going to review for you all the soft Kohl Kajal. It's a new launch from the brand HR, that is Hilary Rhoda, and I have received a number of requests regarding its review and I was like, chalo start karte. Also you can grab this thing from my Instagram store, that is Jyoti Jiya store. So yes, without any further ado, let's get started with this video. First, let's talk about its packaging. As you can see, it comes in this cardboard size, cardboard type packaging. But ye cardboard type jo packaging hai, ye itself is a matte. It looks very classy and chic, as you can see. And ye jo special light effects, that is just because of the flash in my mobile, nothing else. So don't worry. तो ये पैकेजिंग ऐसा है, इस पे आप यू कैन सी कि सब कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है. 18 आवर्स वेयर, सॉफ्ट कोल काजल, इट्स वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ, जेट ब्लैक एंड डिटेल्स इज रिटन हियर. बैक साइड में भी आपको एज यूजुअल जो होता है हाउ टू अप्लाई वो दिया है, इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं. इसका जो नेट वेट है 1.2 ग्राम है एंड द बेस्ट थिंग इज कि इस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट सब लिखा हुआ है. सो येस, आई थिंक दैट्स अ गुड, यू नो, गुड थिंग टू मैंशन इन द पैकेजिंग. अब नेक्स्ट यू कैन सी कि इसके अंदर जो कोल है हम लोग का वो ऐसा दिखता है एंड इसके ऊपर भी HR लिखा हुआ है, नॉन ट्रांसफर और 100% वाटर प्रूफ एंड ऑल दैट स्टफ इज़ ऑल्सो रिटन. और जो कैप है वो सिल्वर शाइनिंग कैप आप देख सकते हो, ये पूरा सील्ड है बट ऑफकोर्स मैंने इसको यूज़ कर लिया है, बोल के इट लुक्स लाइक दिस. And now, don't worry, it didn't came like this. I have already used this many times because as I told you, this is my current favorite. मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई थिंक नाउ वी शुड जस्ट टेस्ट कि ये कैसा इसका पिगमेंटेशन है और ये कैसा टेक्सचर है. टेक्सचर वाइज इफ़ आई वांट टू से इट, इट्स वेरी स्मूथ और ग्लाइड्स ऑन वेरी स्मूथली, वेरी पिगमेंटेड. अगर आप इसको बहुत लाइट हैंड से भी ट्राई करते हो ना, स्टिल द पिगमेंटेशन यू कैन सी. ये तो मैंने लेयर अप किया है और मेरा फ़ोन फोकस करेगा अभी. येस, सो यू कैन सी दिस इज़ ऑल्सो जेट ब्लैक और एकदम लास्ट में भी आप जैसे देख सकते हो, अगर इसको पकड़ के एकदम लाइट हैंड से भी अगर आप इसको अप्लाई करोगे, स्टिल द पिगमेंटेशन इज वेरी वेरी जेट ब्लैक एंड आई लाइक दैट थिंग. अब नेक्स्ट, मैं इसको सिर्फ एज अ कोल को एज अ काजल यूज नहीं करती हूँ, आई ऑल्सो यूज दैट एज एन आई लाइनर बिकॉज मेकअप हैज नो रूल्स फॉर मी. सो येस, मैं इसको एज अ आई लाइनर भी अपना यूज़ करती हूँ. आप देख सकते हो इससे यू कैन ईजली ड्रॉ विंग और एनी सॉर्ट ऑफ आई लाइनर इफ़ यू वॉन्ट टू. ऑल्सो द प्राइस इज़ ₹150 गाइज, 150 में कोल काजल अभी मिलना इस क्वालिटी का इज़ आई थिंक वेरी डिफिकल्ट. अगर आपको कोई और पता है प्लीज़ डू मैंशन बिलो. बट येस, दिस इज़ समथिंग विच आई एम मतलब बहुत मुझे पसंद आ रहा है इज इन दीज डेज. स्मज प्रूफ मैंने पहले बहुत हल्के हाथ से किया एंड देन आई वॉज लाइक नहीं ज्योति, यू हैव टू प्रूफ इट. सो जस्ट आई स्टार्टेड रबिंग इट. ये बहुत ही कुछ सेकंड्स में एकदम ड्राई हो जाता है, आप जैसे देख पा रहे हो इसको. ये कोई फास्ट फॉरवर्ड में नहीं है गाइज, ये एकदम लाइव जैसे मैंने स्मज किया है वैसे ही मैंने आपको दिखाया है. विथ फुल हैंड्स मैं इसको रब करना स्टार्ट की थी, विथ फिंगर, विथ हैंड्स, एवरीथिंग. उसके बाद स्टिल आप देख सकते हो ये अपने जगह पर है, इट्स नॉट टोटली स्मजिंग और एनीथिंग लाइक दैट. ये पूरा एक वेट वाइप्स मैंने उठाया जो पूरा का पूरा वेट है, इट्स नॉट ड्राई एनी टिश्यू और एनीथिंग. तो इससे रब करने के बावजूद यू कैन सी द रिजल्ट, इट डजन गोज वेरी ईजली. बहुत हार्शली मैं इसको रब करी थी फिर भी यू कैन सी थोड़ा बहुत इज स्टिल देयर. उसके बाद मैंने इसको टिश्यू को फिर से इसके ऊपर अच्छे से रब जब किया, बहुत एफर्ट और प्रेशर और एनर्जी जब दिया, तब जाके ये पूरा का पूरा निकला. आई थिंक फॉर अ कोल इन दिस प्राइस इज अ क्वालिटी देना इज अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी. आपको कैसा लगा मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा. सो येस, दिस वॉज एच आर कोल काजल इन 150 रुपीज़, यू गेट दिस क्वालिटी एंड एवरीथिंग. मैंने जैसा आपको बताया, आई डोंट यूज़ दिस ओनली एज अ काजल, आई ऑल्सो यूज़ दिस एज एन आई लाइनर. सो डू ट्राई दैट ऑल्सो. मैंने इसको वहाँ पे अपने लाइनर जैसे नॉर्मली मैं लगाती हूँ मैंने वैसे भी लगाया है. इट्स स्टेज फॉर अ वेरी वेरी गुड टाइम, लाइक 18 घंटे, आई एम सॉरी मैंने उतना टेस्ट नहीं किया, बट येस 7 to 8 hours इट वॉज इन इट्स प्लेस विच इज़ वाओ. अगर किसी ने इसको ज्यादा टाइम ट्राई किया है देन प्लीज डू लेट मी नो दैट ऑल्सो. एंड येस, यहाँ पे जस्ट आई वॉज, प्लीज़ इग्नोर माई बैकग्राउंड गाइज, इट वॉज जस्ट रैंडम. मैं उस दिन और ये इसको लगा रही थी, आई थॉट आई शुड शेयर दिस क्लिप ऑल्सो विथ यू ऑल. इट लुक्स वेरी वेरी ब्राइट ऑन माई आईज एज यू कैन सी. आई लाइक दिस टाइप ऑफ, यू नो, इट्स वेरी हैंडी टू यूज़ अ बैग में. इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो पैकेजिंग है उस हिसाब से यू कैन जस्ट थ्रो दिस इन योर बैग एंड इट्स यू आर गुड टू गो. एकदम भी क्लैप क्लम्जी या ऐसा नहीं है, यू कैन यू नो कैरी इट एनी वेयर यू वॉन्ट.
So yes, hone ke baad just top up your mascara, your favorite mascara, and you are good to go anywhere. So that was all for my today's video. I hope you like this video, and if you did so, then please give this video a big thumbs up. Also subscribe to our channel if you haven't, and if you also like this HR, you want to purchase it, all the description and details are down in the description box. I'll meet you in my next video. Till then, take care. Bye.